दोस्तों अर्लीवुड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो आपने केस करूँगा, ठीक है, थंबनेल में क्या लिखा है, केस करूँगा 10/8/2020 का डेट लिखा हुआ है। सोच लो फिर क्या होगा, ठीक है, बैंक NBFC से लोन लेने वाले देख लो, ठीक है। इसका मतलब ये है, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आखिर ऐसी क्या सीन है, किस किस केस में आप केस कर सकते हो, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको। और मॉरेटोरियम 3.0 यानी मॉरेटोरियम से रिलेटेड या लोन रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जो कि 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाला है, पूरा वीडियो देख लो फिर बोलना। यानी हम जो है आपको अपनी वीडियो में जो हम थंबनेल में लिखते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं आखिर उसका क्या मतलब है, और उसी टॉपिक पे बात करते हैं। यदि आपको वीडियो नहीं देखना है, मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है तो मत देखो, यहीं पर स्टॉप करके किसी और दूसरे चैनल पर चले जाओ। लेकिन हम जो बताते हैं हम वही बताएंगे जो 100% सही होगा, जो ऑफिशियली वैलिडेटेड होगा, जो RBI की वेबसाइट पर होगा, जो बैंक की वेबसाइट पर होगा। हम आपको खुश करने के लिए गलत जानकारी नहीं बताएंगे, चाहे आप देखो या ना देखो वो एक अलग बात है, लेकिन जो जानकारी सही है वही बताएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पे एक ही व्यू जाएगा, एक ही सब्सक्राइबर रहेगा, बहुत है, कम से कम एक ही लोगों का तो सोल्यूशन होगा ना। लेकिन जब जब आपको कोई भी चीज़ का कोई आदमी सिखा रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, तो आपको वो नॉलेज सीखनी चाहिए। यदि आपको नहीं है तो आप ये मत सोचो जो मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, मैं ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, उनसे कोई, आप सीखो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आखिर किस कौन कौन सी केस में आप कौन कौन सी सिचुएशन में आप केस कर सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं, केस करने से पहले आपको क्या क्या करनी चाहिए, केस करोगे तो क्या होगा, केस नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आप केस करेंगे ताकि आपको जो आपकी जो समस्या है उनका समाधान हो जाए, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है जो कई सारे बैंक, कई सारे NBFC आपको मॉरेटोरियम देने में आनाकानी करी है और आपको मॉरेटोरियम देने से वो मना किया है, ठीक उसी तरह से ये रीस्ट्रक्चरिंग वाली जो RBI का प्लान है, RBI की पॉलिसी है, ठीक है, ये वाली रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर COVID-19 रिलेटेड स्ट्रेस, ठीक है, यानी COVID-19 से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, टेंशनबाजी है, जो दिक्कत परेशानी है, उसको ओवरकम करने के लिए जो प्लान है, ठीक है, जो रिजोल्यूशन है, जो संकल्प है RBI का, जो फ्रेमवर्क RBI ने ढांचा तैयार किया हुआ है, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पॉलिसी का, वो यही है, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर कौन कौन सा आता है, जितने भी बैंक है, NBFC है, चाहे छोटे बैंक, बड़े बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, NBFC कंपनी, लोन ऐप, सब के सब इसके तहत आता है। समझ में आ गई बात आपको। अब बार बार मत पूछना सर मुझे लोन ऐप वाला नहीं दे रहा है या वो नहीं दे रहा है, फलाना नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, वो सब पूछने की जरूरत ही नहीं है। NBFC कंपनी में सब आ गया, ठीक है, जो जितने भी लोन ऐप वाला है सब NBFC कंपनी ही उसको चलाता है। बात करते हैं दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक तो आपको मालूम ही है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो भी मालूम है आपको, लोकल एरिया बैंक सब मालूम है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आपको किस केस में आपको, जो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ 8816524888 और ये 022 जो हमारा हेल्पलाइन है 0224893 1234 जो ईमेल है, इन पे मेल करके भी पूछ रहे हैं सर क्या मुझे मॉरेटोरियम भी नहीं मिला, बैंक वाले कंपनी वाले EMI काट रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्या मुझे केस करनी चाहिए, क्या मुझे कोर्ट में PIL करनी चाहिए, क्या मुझे लोकल थाने में जानी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में जहन में आ रहा होगा, ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना, पूरा देख लेना, नहीं तो फिर क्या करोगे, कभी इधर देखोगे कभी उधर देखोगे। तो हम आपको समझाते हुए बताते हैं आपको क्या चीज़ अच्छा रहेगा, क्या चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को दिखाने से पहले दोस्तों, जो RBI, देखो केस करने से पहले आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, केस करने से पहले आपके पास वैलिड का मतलब समझ रहे, ऑथेंटिक सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर केस करोगे, ठीक है। उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, क्या उस पॉलिसी पे यदि आप खड़े उतरते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं, और उसके बावजूद यदि बैंक या NBFC या लोन ऐप वाला नहीं दे रहा है, तब आप केस कर सकते हो। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं,
तो फिर आपको केस करने से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, पहले देख लो, जब केस जीतने के लायक हो, जब लगता है कि जो आपको केस करने से, यदि आपको लगता है जो आपकी ईएमआई एक महीने में 50,000 जा रही है, 1,00,000 जा रहा है, तो वहाँ पर आपको 5-10,000 रुपया केस करने में खर्च हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो उस केस में आप केस कर सकते हो, ताकि आपको वहाँ पर लाखों का क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो कोई भी काम करने से उसका प्रॉफिट और लॉस आप जान लो, बिना प्रॉफिट और लॉस जाने हुए यदि केस करोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर ना इधर का रहोगे ना उधर का रहोगे, फिर परेशानी आप ही को होगा। तो इसीलिए ऐसा काम गलती से भी मत करना। अच्छा, दूसरी चीज़ है प्रॉफिट लॉस देख के और कितना बेनिफिट है कितना नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों किस केस में। तो सबसे पहले यही वो पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये 10 नंबर पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आपके पास आपकी जॉब, नौकरी, बिजनेस से रिलेटेड वो सभी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो ये प्रूफ करता हो, जो आप ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं इस ये वाली पॉलिसी के अंतर्गत आप बेनिफिट लेने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग या मॉरिटोरियम लेने के लिए, ठीक है। यदि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है, जो आपकी अर्निंग मार्च से लेके, ध्यान से सुनना, मार्च 2020 से लेके अभी तक, अगस्त 2020 तक आपकी अर्निंग बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अर्निंग का मतलब कमाई, कमाई का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब आपके खाते में जो पैसा आता जाता है। ये मत सोच लेना मैं यहां समझाने के लिए बोल रहा हूं, फिर मुझे यहां मत सिखाने लगना जो टर्नओवर का मतलब कुछ और होता है, प्रॉफिट का मतलब कुछ और होता है। दोस्त मुझे भी मालूम है क्या होता है, लेकिन आप किस लैंग्वेज में समझोगे मैं वही लैंग्वेज बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गई बात आपको। यदि आपका कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूफ करता हो, जो आपकी कमाई मार्च से लेके अगस्त तक बुरी तरह से प्रभावित हुई है, यानी आपके खाते में जितना पैसा आना चाहिए था आपके खाते में नील अमाउंट आया है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है, या क्रेडिट हुआ है तो आपको कम क्रेडिट हुआ है, कम क्रेडिट हुआ है, और एक होगा क्या होगा, जो उसके खाते में बिल्कुल इनवर्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है, उनके खाते में बिल्कुल इनवर्ट मतलब उसके खाते में कोई क्रेडिट होगा ही नहीं, और आउटवर्ड ज़्यादा होगा, यानी वो डेबिट ज़्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, ठीक है, या क्रेडिट होगा ही नहीं, खाली जो भी आपके खाते में बैलेंस पड़ा होगा या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा या तो ECS लगा होगा तो और नेगेटिव हो गया होगा। तो यही सब चीज़ है। तो यदि ये सारी कंडीशन को फुलफिल करते होगे आप, ये तीन कंडीशन, एक तो आपके पास सैलरी कम हो गया है लेकिन अर्निंग आ रही है, मैंने क्या बोला, सैलरी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, सैलरी बिल्कुल भी नहीं आ रही लेकिन आ रही है, वो केस सुटेबल है आपकी रीस्ट्रक्चरिंग का, ठीक है। तो उस केस में आपको कुछ टाइम के लिए रीस्ट्रक्चरिंग मिल सकती है। अब वो डिपेंड करेगा आप कितना मंथली ईएमआई पे कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, तो वो हो गया। अब दूसरा केस क्या आता है, जो उनके वो बुरी तरह से प्रभावित, उसके पास कुछ पैसा ही नहीं आ रहा, सारा रास्ता ही बंद हो गया, पूरा चीज़ ख़त्म हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो आपको बैंक मॉरिटोरियम 3.0 दे सकती है डिपेंडिंग ऑन योर इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केस, ठीक है, आपकी उस केस और इमरजेंसी और बुरी तरीके से प्रभावित हैं तो बैंक आपको क्या दे सकती है, मॉरिटोरियम, ग्रांटिंग ऑफ मॉरिटोरियम। इसी चीज़ को तो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, हवा हवाई कर रहे हैं इस चैनल, हमारे चैनल पे आके कोई उल्टे पुल्टे गाली गलौज कर रहे हैं। दोस्त गाली गलौज देने से आपका कोई समाधान नहीं होने वाला है, जब तक आप इस पॉलिसी को ही नहीं समझेंगे तो फिर कहां से आपको कोई समाधान देगा। एक आदमी अर्ली उठ जो आपको इतना कुछ बता रहा है, तो ये तो थोड़े बहुत तो आपसे ज़्यादा जानकारी होगा ना, हमारे पास भी 4-4, 5-5 हम भी कंपनी चलाते हैं, हमें भी मालूम है, समझ में आ गई इस बात, तो हमें भी सारी चीज़ मालूम है जो हम आपको बताते हैं। हम आपको पैसे से मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमने करोड़ों लोगों जिनको अर्ली उड का वीडियो देख के फ़ायदा हुआ, भले वो सब्सक्राइब किया हो नहीं किया हो अलग बात है, लेकिन करोड़ों लोगों ने वीडियो देखा है, ठीक है, तो उनको फ़ायदा हुआ है, तो ही वो उन्होंने वीडियो देखा, तो यही चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझो, जब आप समझने लगोगे तो फिर आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर इधर उधर करते रहोगे, ठीक है। तो यही पॉलिसी है जो आपको समझना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप प्रिपेयर कर लो, रेडी कर लो, सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, पासबुक में एंट्री करा के रख लो, ठीक है, फिर अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो ये प्रूफ करता हो जो आपकी कमाई हकीकत में कम हुआ है, ठीक है, चाहे वो लोन ऐप वाला हो, चाहे NBFC कंपनी का हो, किसी भी बैंक का हो, किसी भी कंपनी का हो, किसी भी हाउसिंग कंपनी का हो, ठीक है, किसी भी NBFC का हो, चाहे LIC हाउसिंग फाइनेंस, यानी हाउसिंग जहाँ पे लग गया हाउसिंग कंपनी हो गया, NBFC कंपनी है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है वो हो गया, NBFC कंपनी में ये भी है जो हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करता है वो भी, बैंक में तो मालूम है किसी भी तरह का लोन हो। अब इसमें मत पूछ लेना जो मेरा ये है वो है, तो ठीक है, तो उतना बात नहीं है, मतलब समझ में आ गई आपको,
यानी आपके पास यदि ये सारे चीज़ हैं, दो ही प्रूफ चाहिए बैंक को। बैंक ये देखना चाहती है आपकी कमाई सही में कम हुआ है, मैंने क्या बोला सही में कम हुआ है, और आपकी कमाई हकीकत में जीरो हुआ है। ये से इस में ये जो मार्च से लेके इस केस अभी तक अगस्त में यदि आपकी अर्निंग जीरो हुई है तो आपको मॉरिटोरियम बैंक ग्रांट कर सकती है। हम इसी पॉलिसी पे एनालिसिस करेंगे, समझ में एक बात, जीरो हुई है तो आपको बैंक कुछ टाइम के लिए संभलने का मौका दे सकता है क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रही है, लगभग खुल ही गया है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन ये है आपकी अर्निंग कम हो गई है, आपकी कमाई बहुत कम हो गया, उस केस में आपको रिस्ट्रक्चरिंग मिलेगा ताकि आपकी कुछ तो आमदनी आ रहा है ना, कुछ तो बेनिफिट आ रहा है ना, कुछ तो पैसा आ रहा है ना, तो कुछ पैसा आ रहा है तो उसमें आप भी रखो और अपने लोन वाले को भी दे दो। अब देखो यदि इन दोनों में से आपका कुछ भी नहीं, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है ये 10 नंबर पॉइंट में से, तो फिर क्या होगा, फिर आप यदि EMI सितंबर से नहीं देते हैं और आपने न सितंबर से EMI आपने देना स्टार्ट किया, ना आपके अकाउंट में बैलेंस है और ना ये सब फुलफिल किया, तो फिर क्या होगा, आपका अकाउंट जो है डिफ़ॉल्ट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। जब क्रेडिट स्कोर बुरी तरह से ख़राब होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको कोई ना तो लोन देगा, ना बुरे वक्त पे कहीं अप्लाई करोगे तो कोई भी नहीं देने वाला, कोई भी मदद नहीं करने वाला। अभी के टाइम पर मालूम है ये घोर कलयुग है, कलयुग बहुत कलयुग है। इस कलयुग में ना तो आपका रिश्तेदार कोई काम देने वाला है, ना कोई भी काम देने वाला है। बुरे वक्त में जाओ ना पैसा मांगने के लिए किसी से, बहुत बता दो दिक्कत परेशानी, वो आना कहने वो जी नहीं है अभी नहीं है, दो तीन दिन बाद देखते हैं, अभी तो देखो बुरी हालत है, कहीं से कोई कमाई नहीं आ रही है, बिजनेस डाउन है, सैलरी नहीं आ रही है, यही चीज़ हकीकत उनके पास है, कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन वो मदद करने के लायक भी होगा ना तो भी नहीं करेगा। ठीक है, मेरी बात आप लोगों को हो सकता है बुरी लगे लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, इस दुनिया का नियम ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, कुछ करने लगो। ठीक है, बहुत से रास्ते हैं अर्निंग करने के, आप ईमानदार रहोगे ना तो ईमानदार आदमी को, काम करने वाला का आदमी को भले ही आपका रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आपका साथ नहीं दे, लेकिन यदि आप सही हो, सही चीज़ बताते हो, सही चीज़ पढ़ाते हो तो ऊपर वाला तो साथ देगा ना, गॉड है ना, जिस किसी भी रिलीजन का होगे तो गॉड को तो मानते होगे ना, वो तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि उन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है। जब भेजा है तो आपके लिए एक रास्ता बंद किया है तो कोई ना कोई रास्ता तो खोल के रखा होगा। ये चीज़ समझ में आ रही ना बात, मैं क्या बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है दोस्तों। और RBI ने 8 नंबर पॉइंट में ये भी क्लियर कर दिया, जो दिसंबर तक आप लास्ट इसका जो अप्लाई करने का डेट है ये 31 दिसंबर है। ठीक है, और ये लागू कब से होगा, ये लागू होगा 1 सितंबर से क्योंकि 31 अगस्त को मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है। तो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि आपके पास इन सभी कंडीशन को फुलफिल करते हो और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है जो कोर्ट में आप शो कर सकते हो तो ही आप केस करना। और बार बार मत बोलना सर मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो केस करोगे तो केस करना आसान है लेकिन केस लड़ना और आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, फिर हार भी जाओगे, तो फिर वहां पर यदि डॉक्यूमेंट नहीं होगा कोई इधर उधर करोगे तो फिर कोर्ट तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगा देगा, समझ रहे बात को। तो इसीलिए जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, कोई प्रूफ नहीं हो, कोई सबूत नहीं है तो तब तक केस मत करो। ठीक है, तो केस करने से आपका अपना ही नुकसान है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करो यार, कोई आदमी कोई कंपनी आपको लोन दिया है उन्होंने, वो भी आपने दो पैसा कमाने के लिए दिया है और आपकी भी जरूरत पर उन्होंने काम दिया तो उनका भी काम धंधा करके कुछ पैसे दे दो उनको भी, लटका के रखना कि कौन सी बात है। फिर यदि आप एक बार दोगे तो फिर वो आपको दोबारा देगा, यदि नहीं दोगे तो फिर आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, स्कोर खराब, दोबारा कोई भी लोन नहीं देगा, कोई आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। बुरे वक्त पे जो काम दे दोस्तों वही आपका दोस्त है, जो बुरे वक्त में भले ही आपका रिश्तेदार नातेदार क्यों ना हो, यदि आप बुरे सिचुएशन में हो, उन्होंने आपको बुरे वक्त में काम नहीं दिया तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बात समझ लेना, यदि मेरा बात आपको बुरा लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का यही रीत है। और दोस्त इंग्लिश में पढ़ाओ ना, फ्रेंड इज नीड अ फ्रेंड इनडीड, दोस्त वही है जो वक्त पर काम दे। तो दोस्तों यही बड़ी चीज़ मैंने बता दी आपको, अब आप इसको जिस रास्ते में लेना उस रास्ते में ले लो, लेकिन यही RBI की पॉलिसी है, चाहे हंस के आप इस पॉलिसी को फॉलो करो या चाहे रो के करो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसे भी डूबी हुई है तो बैंक का भी घाटा, बैंक में तो आप ही लोगों का पैसा है ना, हम ही लोगों का पैसा, हम सभी लोगों का पैसा है। यदि कोई बैंक डूब जाती है तो फिर बोलोगे ना आप ही लोग लाइन में खड़े होगे, हड़ताल करोगे, स्ट्राइक करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो इसीलिए सरकार वो कदम उठा ली है जो आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर लेना, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनकी भी परेशानी है, जो भी इस तरह का सोच रखते हैं, सोच रखने से पहले आप कोई भी कदम उठाने से पहले काम का सोचो। कर्म करोगे तो ही आगे बढ़ेंगे, कर्म नहीं करेंगे, कर्म करने वाले का भगवान भी साथ देता है, गॉड भी साथ देता है, अड़ोसी पड़ोसी भी साथ देता है, दुनिया भी साथ देता है, हर कोई साथ देगा। काम नहीं करोगे, गाली गलौज करोगे, इधर उधर करोगे तो कौन साथ देगा आपका, धमकी दोगे किसी को तो कौन देगा साथ, कोई नहीं देने वाला साथ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।